नमस्कार सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इंडिया से कुछ जरूरी और बड़ी खबरें मैं आपको भी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी मिलेगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब में दोस्तों पिछले हफ्ते जो चेकिंग चल रही है, इस दौरान दोस्तों 11,000 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है जो रेजिडेंसी लॉ और जो यहाँ के जो कानून का उल्लंघन किए थे और जो भागे हुए थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन लोगों को अरेस्ट किया गया जो यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी को पार करके भाग रहे थे लोग, तो उन लोगों को अरेस्ट किया गया दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों अगर आप लोग इलीगल तरीके से रहते हैं सऊदी अरब में, तो आप लोग संभल जाइए और जल्द से जल्द अपने कानूनी व्यवस्था द्वारा, अपने एम्बेसी के द्वारा आप लोग अपने घर, अपने वतन लौट जाइए, वही अच्छा होगा आप सबके लिए। वही हाल दोस्तों कुवैत में है। कुवैत में दोस्तों बहुत ही गहन चेकिंग चल रही है। कुवैत में दोस्तों जितने भी अधिकारी हैं सब चेकिंग के लिए आदेश दे चुके हैं और चेकिंग जो अभियान है बहुत तेज़ चल रहा है, क्योंकि दोस्तों कुवैत में जो वहाँ के बंदे हैं वही लोग भागे हुए हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों को भी दोस्तों समस्या होने वाली है क्योंकि चेकिंग चल रहा है। तो उस वक्त अगर जो भी पकड़ा जाएगा उन लोगों को मुखालफा और साथ में उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा उनके मुल्क में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई लोग अगर आप लोग इलीगल तरीके से हैं, भागे हुए हैं अपने कंपनी से, अपने कंपनी से, तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने एम्बेसी में जाइए, संपर्क करिए और वहाँ से अपने वतन लौट जाइए। वही हाल दोस्तों बहरीन में भी है। बहरीन में दोस्तों चेकिंग अभियान पूरे जोरों शोरों से है और वहाँ पे लोगों को पकड़ कर तुरंत लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, जेल में डालने वाले को उनके वतन भेज दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप लोग भागे हुए हैं, कपिल से भागे हुए हैं, कंपनी से भागे हुए हैं, स्पॉन्सर से भागे हुए हैं, तो दोस्तों आप लोग अपने एम्बेसी से संपर्क करिए और जल्द से जल्द अपने कानूनी जो कार्रवाई होती है, कानूनी जो कागजात होती है, उसके माध्यम से आप लोग वतन से वापस जाइएगा तो आप आ सकते हैं। अगर आपको डिपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो आप लोग दोस्तों वापस नहीं आ सकते हैं, या आप लोग जान लीजिए, भूलिए मत। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिपोर्ट कर दिए जाएंगे तो आप लोग लाइफ टाइम के लिए बैन हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमृतसर से अहमदाबाद के लिए जो जहाज़ जा रही थी इंडिगो एयरलाइंस, उसका दोस्तों मौसम ख़राब होने की वजह से वो फ्लाइट पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गया दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि जो इंडिया में जहाज़ जो उड़ रही है वो पाकिस्तान में पहुँच जा रहा है, और यह जो मेंटेनेंस है उसकी गलती है, जो जहाज़ चला रहा है उसकी गलती है, किसकी गलती है। और खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो मौसम ख़राब था इसके वजह से जहाज़ को डायरेक्शन सही से नहीं मिल पाया, सिग्नल सही से नहीं मिल पाया, इस वजह से जहाज़ पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच चुका था। लाहौर में पहुंचने के बाद दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद जहाज़ वापस अपने वतन आराम से लौट आई है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी उसमें यात्रीगण बैठे हुए थे, सवारी बैठे हुए थे, सब लोग आश्चर्य हो गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे है। और बहुत ही अच्छी बात है कि जहाज़ सही सलामत अपने वतन लौट आया। दोस्तों आप लोगों को मैं एक वीडियो, आप लोग देख रहे हैं कि छोटा सा वीडियो है, उसमें दोस्तों एक यूट्यूबर है जो फॉरनर है, वह इंडिया में ट्रेवल कर रहा है, इंडिया में घूम रहा है, और उस वक्त दोस्तों उसके साथ बदसलूकी की गई है। और दोस्तों यह बहुत ही गलत है। अगर कोई भी फॉरनर आता है या कोई भी किसी देश का आदमी अपने देश में आता है घूमने के लिए, तो उसके साथ दुर्व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। उसको अगर अच्छा लगेगा तो वह आपके वहाँ रुकेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वह आपके वहाँ नहीं रुकेगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी बाहर के विदेशी लोग आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, उन लोगों का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वह उन लोगों के साथ अगर आप लोग अच्छा व्यवहार करिएगा, उनका सम्मान करिएगा, तो वह लोग अगर जाते हैं अपने देश में तो वहाँ पर जाकर अपने देश की यहाँ की अच्छाइयाँ बताते हैं, ना कि बुराइयाँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई लोगों के साथ कोई भी अगर फॉरनर आता है तो उन लोगों के साथ जो रिस्पेक्ट होता है वह आप लोग दें, ताकि उनको और अन्य कोई समस्या ना हो और वो लोग खुशी खुशी अपने वतन वापस लौट जाएँ। एक खबर निकल के आ रही है दोस्तों सऊदी अरब में दोस्तों 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो हशीश, ड्रग्स और यह इलीगल जो दवाइयाँ हैं उसका व्यापार कर रहे थे, वो रखे हुए थे, और वहाँ पे दोस्तों पुलिस ने छापा मारा है तो 12 लोगों को अरेस्ट किया है। दोस्तों आप लोग, मैं बता दूं कि अगर आप भी लोग नशीली दवाइयाँ और ड्रग्स का और गांजा अफीम का अगर आप लोग व्यापार करते हैं या आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग संभल जाइए। अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो आप लोगों को दोस्तों
लंबे समय के लिए आप जेल जा सकते हैं और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो मैं सभी भाई लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भी मेरे अजमी भाई लोग हैं वो लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करेंगे कभी भी, और मैं चाहता हूँ वो लोग सुरक्षित रहें और यहाँ पर आए हैं लोग तो काम करें और अपने देश का नाम बदनाम ना करें। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी खबर थी, मैंने सोचा कि आपको बीच में शेयर करूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो एक चैनल मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।